Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2013 की इटालियन फिल्म फ्रेंड्स टू डाई फॉर के बारे में, जो कहानी है जिल्डा, ओलिविया और क्रोशेटा नाम की तीन औरतों की, जो गलती से एक मर्डर केस में फंस जाती है। सिसिली के एक छोटे से आइलैंड पर तीन औरतें रहती है, जिल्डा जो कि एक कॉल गर्ल का काम करती है और आइलैंड के सबसे रईस लोग उसके कस्टमर्स हैं, जिनसे पैसे कमाकर वो अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहती है। दूसरी है क्रोशेटा, उस आइलैंड की सबसे मशहूर कुंवारी, जिसकी बदकिस्मती के लिए वो जानी जाती है और उसका मानना है कि उसे कभी कोई लड़का नहीं मिल सकता। तीसरी औरत ओलिविया की शादी उस आइलैंड के सबसे हैंडसम मछुआरे रोको से हुई है, जिसके साथ वो बच्चे चाहती है, पर रोको अभी बच्चों के लिए तैयार नहीं। लोरेंजो नाम का एक लड़का क्रोशेटा को पसंद करता है, पर उसे उसके साथ काम कर रहे आदमी ने समझाया है कि क्रोशेटा से प्यार करना मतलब खुद की बर्बादी को बुलाना, क्योंकि आज तक क्रोशेटा के जितने भी बॉयफ्रेंड्स थे सब उसके करीब जाते ही अपनी किस्मत से हाथ धो बैठे। पर फिर भी लोरेंजो इन सारी अंधविश्वास भरी बातों को मानना नहीं चाहता था और उसने क्रोशेटा को अपने साथ डेट पर चलने के लिए कह दिया और ये सुनकर क्रोशेटा बहुत खुश हो गई। एक दिन आइलैंड का मेयर डॉन विंचेंजो जिल्डा के पास आ गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। आइलैंड के सारे लोग ये जानते थे कि मौत के दौरान वो जिल्डा के साथ था, पर ये बात सबने छुपा कर रखी और ये कहा कि उसकी मौत अपनी पत्नी के पास हुई। फ्यूनरल पर सारी औरतें यही बातें कर रही थी कि मर्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और इन बातों के बीच वो ओलिविया के पति के बारे में पूछने लगे, जो अपना ज्यादा वक्त घर से दूर काम के सिलसिले में बिताता है, और ओलिविया को शक होने लगा कि रोको का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। फ्यूनरल से निकलकर ओलिविया जिल्डा के पास गई और उसने उसे अपने शक के बारे में बताया। जिल्डा ओलिविया से नाराज थी क्योंकि दूसरों के सामने वो उसे गंदी औरत कहती है और अकेले में उससे सलाह मांगने आई है। अचानक ओलिविया वहाँ बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो जिल्डा से बात करके उसका शक और बढ़ गया। एक तरफ जहाँ ओलिविया का रिश्ता डगमगा रहा था तो दूसरी तरफ लोरेंजो और क्रोशेटा का रिश्ता आगे बढ़ रहा था। पर क्रोशेटा के घर का खाना खाते ही अचानक लोरेंजो की तबीयत खराब होने लगी और उल्टियां करने के बाद उसे तेज बुखार हो गया। उसे भी क्रोशेटा की बदकिस्मती पर भरोसा होने लगा और मौका मिलते ही वो वहाँ से भाग निकला। इंस्पेक्टर नीको नाम का एक पुलिस ऑफिसर आइलैंड के बैंक में हुई चोरी से परेशान था। वो चोर जिन्होंने ये चोरी की है हर बार उसके हाथों से निकल जाते हैं और नीको को शक था कि ये काम मछुआरों का है। उसने अपने प्लान को राज रखने के लिए कहा और खासकर पतेर्नो नाम के एक हवलदार से अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा, पर पतेर्नो ने अपने डेंटिस्ट को वो पूरा प्लान बता दिया, जिसने अपने दोस्तों को वो प्लान बता दिया और अगले ही दिन न्यूज़पेपर में उस प्लान के बारे में छप गया। क्रोशेटा की बदकिस्मती खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और वो इस बात से टूटने लगी थी, पर फिर उसे पता चला कि उसकी माँ ने इंटरनेट पर लोरेंजो को परेशान करने के तरीके सर्च किए थे और इस बारे में उनसे बात करने पर उसे पता चला कि आज तक जितने भी लड़कों ने बदकिस्मती की वजह से क्रोशेटा को छोड़ा, उन सबको भगाने वाली उसकी माँ थी, जो उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती थी, और इतने सालों से बदकिस्मती की अफवाह उसकी माँ ने ही फैलाई थी। क्रोशेटा जल्द से जल्द अपनी माँ से दूर जाना चाहती थी, पर क्योंकि कोई भी उसके पास नहीं आना चाहता था, वो आइलैंड भी नहीं छोड़ पाई। वो लाइट हाउस की तरफ किसी मछुआरे की मदद मांगने गई और एक कमरे तक पहुंची। ठीक उसी वक्त वहाँ ओलिविया जिल्डा को लेकर आई, क्योंकि उसे शक था कि रोको वही मौजूद है, और उन दोनों को उस कमरे में क्रोशेटा दिखाई थी। उन दोनों को लगने लगा कि रोको का क्रोशेटा के साथ अफेयर चल रहा है, पर क्रोशेटा ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है। एक मशीन की आवाज का पीछा करते हुए वो तीनों एक गुफा तक पहुंची, जहां उन्हें रोको मिला और वहां मौजूद हथियार और पैसे देखकर उन्हें समझ आ गया कि रोको उन चोरों में से एक है जिन्हें पुलिस ढूंढ रही है। रोको ओलिविया को छोड़कर वहां से भागने की तैयारी कर रहा था और जब उसने कहा कि उसने ओलिविया से सिर्फ इसीलिए प्यार करने का नाटक किया क्योंकि उसे पुलिस की नजरों से बचना था, तो ओलिविया ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और गुस्से में उसने रोको को गोली मार दी। उसे मारते ही ओलिविया भी बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो तीनों ये सोचने लगी कि अब आगे क्या होगा। क्रोशेटा इस बात से डरी हुई थी कि रोको के खून के इल्जाम में पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और जो उन्होंने किया है वो एक पाप है, पर जिल्डा ने कहा कि उन्हें सिर्फ लाश ठिकाने लगानी होगी, जिसके बाद वो लोग सारे पैसे ले जाएंगे और पुलिस ये सोचेगी कि रोको फरार हो गया है। क्रोशेटा जानती थी कि जिल्डा सिर्फ पैसे चाहती है, पर जिल्डा समझाने लगी कि ऐसा करना ही इंसाफ होगा क्योंकि रोको एक बुरा आदमी था। क्रोशेटा को अपनी तरफ करने के लिए जिल्डा ने कहा कि पैसे मिलने के बाद कोई भी उसे बदकिस्मत नहीं कहेगा
और ये बात सुनते ही वो मान गई। जिल्डा ने उन दोनों के साथ सारे सबूत मिटाना शुरू कर दिया और जैसे ही ओलिविया को याद आने लगा कि वो रोको से कितना प्यार करती है, जिल्डा ने उसे याद दिलाया कि रोको ने उसका दिल तोड़ा है। जल्द ही वो लोग रोको की लाश को क्रोशेटा की फैक्ट्री में ले गए, जहां उसकी बॉडी को जलाकर टूना मछली के कैन में डाल दिया गया। और अपने गुनाह को छुपाते ही वो तीनों बिना किसी की नजरों में आए वहां से चले गए। वो तीनों ओलिविया के घर रहने चले गए और पैसों को छुपाने के तरीके के बारे में सोचने लगे। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर पुलिस के आने की आवाज आई। क्रोशेटा और ओलिविया बुरी तरह डर गए, पर जिल्डा ने उन्हें संभाल लिया। वो पुलिस वाले उस घर में रोको को ढूंढते हुए आए, पर वो ये नहीं जानते थे कि वहाँ सिर्फ वो तीन औरतें हैं। नीको ओलिविया से पूछताछ करने लगा, जिसके बाद वो जिल्डा और क्रोशेटा के साथ अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश करने लगी। नीको ने अकेले में ओलिविया से पूछा कि उसके घर से कुछ सामान गायब है या नहीं, जिसके जवाब में ओलिविया ने कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा क्योंकि पुलिस वालों ने सारा सामान इधर उधर कर दिया है। और फिर पतेर्नो से कहकर ओलिविया ने घर का सारा सामान उनकी जगह पर रखवाया और पूछताछ का सारा वक्त इसी में गुजर गया। सारी पूछताछ के बाद नीको को यही समझ आया कि रोको फरार है और शायद ओलिविया उसकी मदद कर रही है। और बिना कोई सबूत हाथ लगे पुलिस वाले वहाँ से चले गए। जिल्डा को डर इस बात का था कि पुलिस उसी गाड़ी के पास खड़ी है जिसमें उन्होंने पैसे छुपा रखे हैं और उस गाड़ी के दरवाजे भी टूटे हुए हैं। पर दरवाजा टूटा होने के बावजूद नीको की नज़र पैसों के बैग पर नहीं पड़ी और किसी तरह उनका ध्यान भटकाकर उन तीनों औरतों ने उन्हें वहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। नीको को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि ये तीनों औरतें एक दूसरे की दोस्त है और इसलिए उसने हर किसी से इनकी दोस्ती के बारे में पूछताछ करना शुरू किया। दूसरी ओर जिल्डा, ओलिविया और क्रोशेटा एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश कर रहे थे, पर क्योंकि वो तीनों ही एक दूसरे से अलग थी ये करना उनके लिए मुश्किल था। अगली सुबह ओलिविया को एक बुरा सपना आया जिसमें उसने देखा कि रोको टूना के डिब्बे से निकलकर बाजार में लोगों से उसे खरीदने के लिए कह रहा था और तब उसे एक पादरी ने खरीदा। इस सपने से उन तीनों को एक आइडिया आया। पुलिस की नजरों से बचने के लिए उन्होंने पैसे चर्च में छिपाने का प्लान बनाया और पैसे लेकर ओलिविया चर्च में चली गई, जिसके बाद उसने पैसों को जीसस की एक मूर्ति में छिपा दिए। ठीक उस वक्त वहाँ ओलिविया की माँ आई, जो इस बात से नाराज थी कि ओलिविया ने जिल्डा से दोस्ती कर ली है और उसी के साथ घर पर रह रही है। वो जानती थी कि ओलिविया को छुपा रही है, पर ओलिविया ने जीसस की कसम खाकर कुछ नहीं बताया। नीको जानता था कि रोको के गायब होने में जिल्डा का हाथ है, इसलिए वो उसके पीछे पड़ गया। जब जिल्डा ने कुछ नहीं बताया तो उसने उन तीनों दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ भिड़ाने का प्लान बनाया, जिसे हमेशा की तरह पतेर्नो समझ नहीं पाया। उसका ये प्लान क्रोशेटा और ओलिविया पर काम कर गया और वो दोनों एक दूसरे के झूठे बयान सुनकर एक दूसरे से झगड़ने लगी। पर फिर उन्हें जिल्डा ने समझाया कि ये सारा नीको का प्लान है और उस प्लान को खराब करने के लिए उन्हें सबके सामने अच्छे दोस्त बनकर रहना होगा। वो तीनों एक साथ बाहर घूमने गए, पर उनके सामने ओलिविया की माँ और दूसरी औरतें आ गई। और उन औरतों ने उन्हें साथ देखकर ओलिविया से चर्च की चाबियां छीन ली और अब जिल्डा, ओलिविया और क्रोशेटा की तकलीफें बढ़ती गई। वो जानती थी कि बिना चाबियों के वो पैसे वापस नहीं ले पाएंगी और इसलिए क्रोशेटा से कहा गया कि वो चर्च की एक्स्ट्रा चाबियां चुरा कर आए और ऐसा करने के लिए उसे अपने घर जाना पड़ा। वो अपने घर तो चली गई, पर इससे पहले कि वो चाबियां ले पाती उसकी माँ वहाँ आ गई और उसे घर में रुकने के लिए कन्विंस करने लगी। पर किसी तरह अपनी माँ की बातों में ना आकर क्रोशेटा वहाँ से भाग निकली, पर फिर भी उसके हाथों चर्च की चाबियां नहीं लगी। नीको को बिना चश्मों के दिखाई नहीं देता था और उसे लगने लगा कि उसके सामने जिल्डा है, पर जब उसे पता चला कि उसके सामने ओलिविया है तो उसने अपने प्लान को आगे बढ़ाना शुरू किया। वो उसे ये कहकर जिल्डा के खिलाफ भड़काता गया कि जिल्डा एक कॉल गर्ल है और शायद वो रोको के साथ कई सालों तक पैसों के लिए भी थी। उसने उसे कुछ सबूत दिखाए, जिसके बाद ओलिविया उसकी बातों में आ गई और वो रोको के खून की सच्चाई उसे बताने ही वाली थी कि तभी वहाँ पतेर्नो आ गया और ओलिविया फिर से होश में आकर अपनी सच्चाई छिपाने में कामयाब हो गई। वो जल्द से जल्द जिल्डा और क्रोशेटा के पास गई और जिल्डा से उसके और रोको के अफेयर के बारे में पूछने लगी। जिल्डा ने कहा कि उनका अफेयर सालों पहले था, जब रोको की जिंदगी में ओलिविया आई ही नहीं थी। सच बताने के बावजूद वो तीनों एक दूसरे से कहने लगी कि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं और फिर से लड़ने झगड़ने लगी।
पर जल्द ही उनका झगड़ा खत्म हुआ। उस रात वो तीनों टहलने निकली और रास्ते में उन्हें दो लोगों ने किडनैप कर लिया। वो लोग वही चोर थे जिनके साथ रोको ने चोरी की थी और वो लोग रोको और पैसों का ठिकाना जानना चाहते थे। जब उन तीनों ने कुछ नहीं बताया तो उनमें से एक क्रोशेटा के साथ जबरदस्ती करने लगा। क्रोशेटा को बचाने की कोशिश में जिल्डा ने उन आदमियों को पीटना शुरू किया और इसी बीच ओलिविया ने उन तीनों की जान बचाने के लिए दोनों आदमियों को गोली मार दी। जिल्डा इस बात से हैरान थी कि ओलिविया ने अब तक बंदूक अपने पास रखी थी, पर इस सब के बीच एक दूसरे का भरोसा जीतने से उन तीनों की सचमुच दोस्ती हो गई। और फिर उन तीनों ने इस खून का इल्जाम रोको पर डालने के लिए उसके जूतों के निशान वहां छोड़ने शुरू किए, पर वो ये नहीं जानते थे कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई देख रहा है। बेफिक्र होकर वो तीनों दोस्त एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे, जहां वो क्रोशेटा को पहले से ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करने लगे। ओलिविया ने अपनी माँ से जाकर ये कह दिया कि रोको आइलैंड पर आया है, क्योंकि वो जानती थी कि ये बात अब पूरे आइलैंड पर फैल जाएगी। जिल्डा ने क्रोशेटा को पूरी तरह बदल दिया, पर अब भी क्रोशेटा को इसकी आदत नहीं हुई और इस बात का जिल्डा और ओलिविया मजाक उड़ा रहे थे। वो दोनों उसे एक आदमी के करीब भेजने की कोशिश करते रहे, पर लाख कोशिशों के बाद भी क्रोशेटा ऐसा कर नहीं पाई। जैसा जिल्डा ने सोचा था, रोको के आइलैंड पर होने की बात पूरे आइलैंड पर फैल गई और ये बात नीको तक पहुंच गई। नीको को अब भी ओलिविया पर ही शक था, क्योंकि उसे रोको की बैग में एक बुलेट मिली थी। वो इसी के बारे में उन सब से पूछने लगा, पर तब उसका ध्यान भटकाने के लिए वह क्रोशेटा आ गई, जो उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगी। एक पल के लिए नीको का ध्यान केस से हट गया, पर फिर वो होश में आया और उसे पता चला कि रोको के साथियों की लाश मिली है। उन दोनों की लाशें मिलने के बाद पुलिस को लगने लगा कि यह सब कुछ रोको ने ही किया है, और इसलिए नीको ने उन तीनों औरतों से माफी मांगी और उन्हें इस केस से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। वो तीनों खुशी खुशी अपने घर चली गई, पर वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चला कि आइलैंड पर रहने वाले दो लोग उनकी सच्चाई जानते हैं और हर वक्त उन पर नजर रख रहे थे। वो दोनों उन औरतों को ब्लैकमेल करने लगे, पर क्रोशेटा ने उन्हें बताया कि उन्होंने रोको के साथ क्या किया है। उन तीनों ने कहा कि अगर पुलिस को उनके गुनाह के बारे में पता चल गया तो आइलैंड की बदनामी हो जाएगी और साथ ही वो दोनों आदमी मारे जाएंगे। इसलिए उन दोनों को उनकी बातें माननी पड़ी और उन्हें शहर के सामने चर्च की सबसे इज्जतदार पोजीशन देनी पड़ी, और ये पोजीशन मिलते ही वो लोग जीसस की मूर्ति के पास पहुंचने वाले थे। अंत में वो गांव वालों के साथ उस मूर्ति को ले जा रहे थे जिसमें पैसे रखे हैं, पर तब उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया और उनके झगड़े की वजह से वो मूर्ति पानी में गिर गई। बिना वक्त गवाए वो तीनों मूर्ति बचाने पानी में कूद पड़े और आखिरकार उन्हें वो पैसे मिल गए। पैसों को लेकर वो तीनों एक आलीशान जिंदगी जीने लगी, पर उनके पैसों का लालच बढ़ता गया और पैसों के लिए चोरी और किडनैपिंग करने का प्लान बनाने लगे। पर अंत तक साथ होने के बावजूद उनके झगड़े खत्म नहीं हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।